अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने रूट मीन स्क्वेयर स्पीड को डिस्कस किया था, तो इससे और काइनेटिक एनर्जी से कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था 3/2 kT, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर एंड वी रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, टेम्परेचर एंड मास। तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। हम यहां पे ये बात लिख सकते हैं, डजंट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। नेचर में क्या क्या चीज आ जाती है कि उसका मास कितना है, उसकी डेंसिटी कितनी है, ये उस पर डिपेंड नहीं करती। ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। सपोज इससे रेलेवेंट क्वेश्चन क्या आ सकता है, मैं अगर कहता हूं कि एक कंटेनर है और उस कंटेनर में O2 गैस है, इसका टेम्परेचर है 300 केल्विन। एक और कंटेनर, इसमें है H2 गैस और इसका टेम्परेचर भी 300 केल्विन है। बोथ हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अब जरा देखते हैं वेलोसिटी के साथ क्या सीन होगा। वेलोसिटी टेम्परेचर के साथ साथ मास पे भी डिपेंड करती है। अब यहां पर देखते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी सेम। लेकिन वेलोसिटी किसकी ज्यादा है? वेलोसिटी मास पे भी डिपेंड कर रही है और साथ साथ टेम्परेचर पे भी। इफ टी सेम देन वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन मास। सो वेलोसिटी इन हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन वेलोसिटी इन ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का मास ज्यादा है। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसमें वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि उन दोनों का रिलेशन इनवर्स के साथ रूट में है। ठीक हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी की डिपेंडेंस, जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया, काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी की डिपेंडेंस डिफरेंट है। तो हम यूं लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी T1/T2 वेलोसिटी V1/V2 इज इक्वल टू T1/T2 एंड M2/M1। ठीक हो गया। तो मास के साथ इनवर्स में है रिलेशन अंडर रूट के साथ। जैसे एक कंटेनर है, इसके अंदर O2 भी है, H2 भी है, ठीक है, ये मिक्स कर दी हमने, लेकिन काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई तो टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा। लेकिन वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल टेम्परेचर के साथ साथ मास पे भी डिपेंड करती है। ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, यहां से एक और सवाल पूछता हूं मैं आपसे। इफ वो मैंने लास्ट डिस्कस कर लिया था कि इफ यू वांट टू डबल द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल टेम्परेचर शुड बी 4 times, क्योंकि उनके साथ ये रिलेशन है और डेंसिटी के साथ भी रिलेशन है। एक डेंसिटी के साथ V इक्वल टू 3P/ρ
V1 V2 इज इक्वल टू रो 2 ओवर रो 1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक गैस है H2 और एक गैस है O2। अब आपको बता होना चाहिए डेंसिटी ऊपर किसकी लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ O2 ओवर डेंसिटी ऑफ H2। V इन H2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स V इन O2। वो कैसे, इसी को अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आप लिख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ O2 इज 16 टाइम्स ग्रेटर देन O2। जब हम लिखेंगे तो 32 लिखेंगे, बहरहाल दोनों को हम एटॉमिक फॉर्म में ले सकते हैं। 16 टाइम्स ग्रेटर है डेंसिटी ऑफ H और डेंसिटी ऑफ H यहां पर आ जाएगा, तो दोनों का ये दोनों कट जाएगी तो 16 का आएगा रूट, तो हमारे पास आएगा VH2 इज 4 टाइम्स ग्रेटर देन वेलोसिटी इन ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ज्यादा स्पीड से मूव करते हैं एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे ही मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि वेलोसिटी इन हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन वेलोसिटी इन क्लोरीन गैस, यानी वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ क्लोरीन, ठीक है, तो कितना ग्रेटर होगा, ये आपका आंसर विद इन सेकेंड्स आना चाहिए कि हाइड्रोजन में गैस क्लोरीन के मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की स्पीड क्लोरीन मॉलिक्यूल की स्पीड से कितने टाइम ज्यादा है। ठीक है, आई विल वेट योर आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं, इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी एक्चुअली सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, बट यू नो कि ये जीरो होती है बिकॉज देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, सो इंटरनल एनर्जी इज टोटली काइनेटिक एनर्जी। इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन काइनेटिक एनर्जी, एक रूम के अंदर मॉलिक्यूल्स की जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ज्यादा उनकी इंटरनल एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी अगर टेम्परेचर पे डिपेंड करती है तो इंटरनल एनर्जी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, हम कई बार ये बात कर चुके हैं कि अगर चेंज पॉजिटिव हो तो इट्स मीन वो चीज़ बढ़ रही है, फाइनल ज़्यादा होगी इनिशियल से तो चेंज पॉजिटिव आएगा, और अगर वो चेंज हो नेगेटिव then that quantity is decreasing. तो इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट, यानी ये स्टेट पे डिपेंड करती है, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट, यानी डिपेंड्स ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, नॉट ऑन पाथ, नॉट ऑन पाथ, यानी अगर आप किसी सिस्टम में किसी गैसेस स्टेट को स्टडी कर रहे हैं और ये है इनिशियल पोजीशन 1 और फाइनल पोजीशन है 2, सिस्टम में चेंज आ रही है, हम उस चेंज को दो पाथ से डिस्क्राइब कर रहे हैं, पाथ 1 पाथ 2, यहां पर प्रेशर है P1, यहां पर वॉल्यूम है V2, यहां पर प्रेशर P2 सॉरी यहां वॉल्यूम V1 और वॉल्यूम V2। अब ये दो स्टेट्स हैं इसकी, इंटरनल एनर्जी को इस चीज से कंसर्न नहीं है कि स्टेट में यानी सिस्टम में किस तरह से चेंज आई है, वो सिस्टम की इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, तो इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। अब अगर कोई क्वांटिटी, इफ अ क्वांटिटी doesn't depend on path, then जैसे कि आपको पता है कि कंजर्वेटिव फील्ड में मैंने वर्क डन की बात की थी, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी इन क्लोज पाथ जीरो होता है, तो इफ अ क्वांटिटी doesn't depend ऑन पाथ इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि क्लोज पाथ में वो क्वांटिटी जीरो होगी, तो इन क्लोज पाथ डेल्टा यू विल बी जीरो। इंटरनल एनर्जी में चेंज
नहीं आएगी, ठीक है, क्लोज पाथ में। फॉर एग्जाम्पल ये सवाल आ सकते हैं, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है और ये बॉडी का पाथ है, सॉरी ये सिस्टम के स्टेट्स शो की जा रही हैं ये पाथ के थ्रू। अब ये एक क्लोज सिस्टम बनता है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस बनता है, तो इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी? जीरो, बिकॉज चेंज इंटरनल एनर्जी डजंट डिपेंड ऑन पाथ। सो इन अ क्लोज पाथ चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। यहां एक और बात भी याद रख लीजिएगा, वर्क डन जीरो नहीं मैंने बोला, कोई बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो होता है। वो क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो होता है ग्रेविटी में, कंजर्वेटिव में, थर्मोडायनामिक्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है। ओके, इंटरनल एनर्जी जो यू है, इंटरनल एनर्जी जिसको हम कह रहे हैं, ये हम मैयर नहीं कर सकते, कैन नॉट मैयर, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है दैट इज इंपॉर्टेंट और वही मैयरेबल होती है। ओनली चेंज कैन बी मैयर्ड, ठीक है, यानी चेंज किस में? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब इंटरनल एनर्जी में चेंज मैयर करने के लिए हम यूज करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बेस के ऊपर हम इंटरनल एनर्जी में चेंज, अब आप सोच रहे होंगे इंटरनल एनर्जी में चेंज कैलकुलेट करने के लिए शायद ये सिलेबस में नहीं है, नहीं, मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में जाके इसका यूज होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? ओनली ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन टेम्परेचर, ठीक हो गया। किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं हो सकती। इंटरनल एनर्जी जीरो का मतलब पता क्या है? काइनेटिक एनर्जी जीरो, और काइनेटिक एनर्जी जीरो का मतलब पता क्या है? टेम्परेचर जीरो केल्विन, और जीरो केल्विन टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये था इंटरनल एनर्जी। अब हम बात करते हैं वर्क डन की, वर्क डन इन थर्मोडायनामिक्स, नॉट इन ग्रेविटी। ग्रेविटी में मैं आपको चैप्टर नंबर 4 और यूनिट नंबर 3 जिसको हम कहते हैं डिटेल से पढ़ चुके हैं। अवर टॉपिक इज वर्क डन इन थर्मोडायनामिक्स। सो थर्मोडायनामिक्स में वर्क डन कैसे होगा? थर्मोडायनामिक्स, थर्म का मतलब होता है हीट और डायनामिक्स का मतलब है मोशन। ये उसी रूल पे कैलकुलेट किया जाता है जो हम यूनिट नंबर 3 वर्क डन में मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं। सो वी आर नॉट इन मैकेनिक्स, वी आर डिस्कसिंग थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में सपोज ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 1 है यानी वॉल्यूम 1 है, फिर कुछ देर के बाद ये पिस्टन ऊपर चला जाता है, और ये पिस्टन जब ऊपर जाएगा तो ये इतना ट्रैवल करेगा, सपोज दिस इज डेल्टा वाई, और इसके ऊपर जो प्रेशर है ना, कोई पिस्टन का अपना जो इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, दैट इज पी, ये पी प्रेशर है। सो वर्क डन इज पी ओवर ए, सॉरी पी इंटू डिस्प्लेसमेंट, गलत हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हियर डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा वाई, क्योंकि वी वन से वी टू पे गया, और फोर्स किसकी इक्वल होती है? फोर्स होती है पा, यानी पी इज इक्वल टू एफ बाय ए, एफ इज इक्वल टू पी ए, और पी तो पी ही है, ए इंटू डेल्टा वाई है, वॉल्यूम बनेगा डेल्टा वी। सो वर्क डन इन थर्मोडायनामिक्स इज प्रेशर इंटू यानी टाइम्स चेंज इन वॉल्यूम। हम कह सकते हैं कि अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा तो वर्क डन भी जीरो होगा, यानी आप इसको हीट प्रोवाइड करते जाएं, लेकिन अगर सिस्टम ये सॉरी पिस्टन फिक्स है, हम जो नॉर्मली पिस्टन की बात करते हैं ना, अक्सर जब मैं सिस्टम की बात करूंगा तो सिस्टम क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ थिंग्स विच इज अंडर कंसिडरेशन। अब इसके अंदर मॉलिक्यूल्स है, इसको मैंने कंसिडर किया, मैंने सपोज किया ये किसी कंटेनर में है, सो दिस इज पिस्टन, ये है सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर को यहां से हम जब हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट एनर्जी है, एनर्जी प्रोवाइड की,
और ये पिस्टन अगर मूव करता है यहाँ पर तो वर्क डन होगा। ये फिजिक्स में और केमिस्ट्री में डिफरेंट कन्वेंशंस हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में डिफरेंट कन्वेंशंस हैं। कन्वेंशन ये है कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है, सपोज दिस इज अ सिस्टम, इफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, यानी प्रोवाइड करनी है, प्रोवाइड इट टू सिस्टम एंड डब्ल्यू इज बाय द सिस्टम। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये है सिस्टम और सिस्टम के ऊपर वर्क डन किया जाए, वर्क डन ऑन द सिस्टम, हीट इजेक्टेड बाय द सिस्टम। जब आप कंप्रेस करेंगे, ये पिस्टन है और इसके ऊपर आप एक फोर्स लगा रहे हो, यानी इसको प्रेस कर रहे हो, लोड है इसके ऊपर हमने अप्लाई कर दिया, तो डेफिनेटली ये पिस्टन डाउन मूव करेगा और इसकी इंटरनल एनर्जी में इजाफा होगा। इसकी इंटरनल एनर्जी, यानी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, डेल्टा यू पॉजिटिव होगा। तो ये है वर्क डन ऑन द सिस्टम, हीट बाहर भी जा सकती है, तो जो हीट इजेक्ट होगी वो नेगेटिव कंसीडर होगी और जो वर्क डन होगा सिस्टम के ऊपर वो भी नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। तो पॉजिटिव कब होगा? जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। नेगेटिव होगा वर्क डन ऑन द सिस्टम। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स याद रखिए। मेरे से ये मत सवाल पूछिएगा कि सर ये तो सिलेबस में नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स समझे बगैर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को नहीं समझ पाएंगे, और ये मुश्किल नहीं है। अगर तो कोई चीज मुश्किल हो तो फिर ना पढ़ा करें, लेकिन अगर सिंपल हो, बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यूएचएस वाले ने मारी तो चवल है वैसे, लेकिन खैर कोई बात नहीं। यानी उसने 2019 में यूएचएस में के सिलेबस में से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को निकाल दिया। भाई जब आप इसको निकाल रहे हैं तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कॉन्स्टेंट प्रेशर है, तो उनको भी फिर निकाल दें, क्योंकि वहां पर इंटरनल एनर्जी में चेंज इसी की बेस के ऊपर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बेस के ऊपर। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बड़ा ही सिंपल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बेस पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बना है। हम हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट किसी सिस्टम को प्रोवाइड की, सपोज लाइट गई हुई है तो हमने फिर ये एक मोमबत्ती जला दी इसके नीचे, चलो हीट प्रोवाइडेड टू द सिस्टम डू टू थिंग्स, यानी जो हीट प्रोवाइड की इसने दो काम किए। सपोज आपने 100 जौल हीट प्रोवाइड कर दी, अब एक तो ये काम होगा कि इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, यानी इंटरनल एनर्जी को ये चेंज कर देगी। ओके, तो इट विल चेंज इंटरनल एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी, हीट भी तो एनर्जी है ना, तो उसने एनर्जी को चेंज कर देना। फिर एक काम और भी हो सकता है कि ये पिस्टन ऊपर उठ सकता है, तो हम लिख सकते हैं हीट प्रोवाइडेड बाय द सॉरी टू द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस द वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, सो दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सपोज ये है 30 और वर्क डन फिर होगा 70, तो टोटल 100 में से 30 ये चला गया, 70 ये चला गया। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है ये लॉ, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये है कि एनर्जी कहीं भी लॉस नहीं हुई, जितनी भी एनर्जी हमने प्रोवाइड की है वो हमें नजर आ रही है कहां पे है। ह्यूमन मेटाबॉलिज्म भी इसी रूल पे वर्क करता है, यानी आपने अगर मैं आपसे पूछूं बेटा अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, और ये हैं आप, ठीक है, यानी सिस्टम है ना यार। एक्चुअली हम किसी भी चीज को जब कंसीडर करते हैं ना, उसके ऊपर कंसेंट्रेशन यानी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी, जब ऐसी ऐसी बातें करते हैं तो जिसके बारे में हम ये बात कर रहे होते हैं दैट इज अ सिस्टम। तो इसलिए आपने गुस्सा नहीं करना कि सर हम ऐसे थोड़ी हैं, तो मैंने वैसे बात की है इन जनरल के। सपोज ये एक सिस्टम है और ये आप हैं, और आपने आज नाश्ता किया, ठीक है, यानी आपने हीट ली
और दिस इज योर ब्रेकफास्ट, और उससे क्या हुआ, आपकी इंटरनल एनर्जी जो है वो बढ़ गई पॉजिटिव, ठीक है। और उसके बाद आप सारा दिन खाना नहीं करते, यानी उसके बाद आप वर्क डन करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ योर इंटरनल एनर्जी। उसके बाद क्या होता है यानी आपने क्या लिया ब्रेकफास्ट, आपकी रूटीन अच्छी नहीं है, आपने को दोबारा 1 बजे ये नाश्ता किया, सो के लेट उठे होंगे आप, और डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। उसके बाद अब जब आप वर्किंग पोजीशन में हैं तो आप वर्किंग पोजीशन में हीट नहीं यानी कोई एनर्जी नहीं ले रहे, दैट इज फूड। आप ये मत कहना कि सर हम कोई हीट थोड़ी लेके आते हैं, ये फूड प्रोवाइड करती है हीट, एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। तो हम उसको जनरल हीट से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो ये अब जब आपने नाश्ता कर लिया उसके बाद आप कोई काम कर रहे हैं तो क्या होता है, जीरो, यानी फर्दर आपको एनर्जी नहीं मिल रही। क्यों? अब डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। अब आप डब्ल्यू को इधर ले आओ और डेल्टा यू ऐसे लिख लो, या डब्ल्यू इधर लिख लो डेल्टा यू यू कर लो, ठीक है। इस नेगेटिव का मतलब पता क्या है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होना। अगर दो चीजों, सॉरी, चेंज नेगेटिव हो तो उसका मतलब है कि वो क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। ओके, एंड यू आर डूइंग वर्क, आप काम करते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, तो क्या डिक्रीज होती जा रही है, आपकी इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो फिर आप क्या करते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स जब क्लास में होते हैं तो फिर उनको क्लास में बहुत ज्यादा भूख लगती है, तो क्या होता है कि वो साथ साथ क्यू लेते रहते हैं, ठीक है, ताकि उनका जो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में उनकी इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, बॉडी टेम्परेचर कम हो रहा है, वो उसको मेंटेन रखने के लिए। इसलिए हमारी बॉडी को अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये मुसलसल चाहिए, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए, ठीक है। अगर ये आप नहीं लेते तो मर जाएंगे, ठीक है, और इसकी बेस पे तो मरने नहीं लगे, क्योंकि आप सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप ये छोड़ दें। तो क्यू से क्या फायदा होता है, इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, और इंटरनल एनर्जी के बिहाफ पे वर्क डन करती है हमारी बॉडी, ठीक हो गया। ना ना खाएं 2-3 दिन खाना, इंशाल्लाह देखना ठंडे हो जाएंगे। तो इसका मतलब है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सही कहता है, ठीक है, कि अगर आप ये नहीं लेंगे तो आपका आपकी बॉडी वर्क डन तो करेगी। आप कहेंगे हम वर्क डन नहीं करेंगे, हम बैठे रहेंगे सुकून से, बेटे आप बैठ भी जाएं आपकी बॉडी फिर भी वर्क कर रही होती है। वो कौन सा वर्क, वो ग्रेविटी वाले वर्क की बात नहीं कर रहा, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। इंटरनल एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, आप सो रहे हैं तब भी इंटरनल एनर्जी आपकी बॉडी का सांस ले रहे हैं पूरे पूरी बॉडी में, अगर आप बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ठीक हो गया। तो ये थी इंटरनल एनर्जी। अब सॉरी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से की एप्लीकेशन हम अगले लेक्चर में पढ़ते हैं, और बड़ा ही इम्पोर्टेंट लेक्चर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला, इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में होगा। अल्लाह हाफिज़।